प्रश्न दिया गया है और इस प्रश्न का मान ज्ञात करना है। इस तरह के प्रश्न का हल करने के लिए सबसे पहले जो हर दिया गया है उनका गुणनफल कर लेते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं वन अपान तीन गुणे पाँच धन वन अपान पाँच गुणे सात धन वन अपान सात गुणे नौ धन वन अपान नौ गुणे ग्यारह और धन वन अपान ग्यारह गुणे तेरह। अब यहाँ देखने को मिल रहा है कि प्रत्येक गुणनखंड में जो अंतर है वह समान है, यानी दो दो का है। आप पहले पद का दूसरा गुणनखंड दूसरे पद के पहले गुणनखंड के बराबर है। तो जब इस तरह का आता है तो सबसे पहले वन अपान जो इसमें अंतर है कामन अंतर है तो वो लिख लेंगे दो, और फिर पहला पद वन अपान तीन और माइनस लास्ट वाला पद वन अपान तेरह। फिर इसको हल करें तो वन अपान टू गुणे इस पूरे को हल करेंगे तो दस बटे उनतालीस होगा। इसको काटेंगे तो पाँच बार में कटेगा तो ये हो जाएगा पाँच बटे उनतालीस। इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा पाँच बटे उनतालीस। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, हमारे चैनल पर नहीं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।